हेलो किड्स मेंटर नी टू वी आर डूइंग साइबर क्रिएटर्स कंप्यूटर बुक बाय ब्रेन रोट क्लास 4. सो टुडे वी आर डूइंग चैप्टर 7 मोर ऑन स्क्रैच 3. सो लेट अस स्टार्ट. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट स्क्रैच 3 इंटरफेस, डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ स्क्रैच, एडिंग अ न्यू स्प्राइट, एडिंग अ न्यू बैकड्रॉप एंड चेंजिंग कॉस्ट्यूम. इसमें हम स्प्राइट्स के बारे में पढ़ेंगे और हम कैसे न्यू स्प्राइट्स ऐड कर सकते हैं, उनको कैसे उनके अपेयरेंस चेंज कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट. सो बिफोर वी बिगिन दिस, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ स्प्राइट ऑफ स्क्रैच इन द स्पेस गिवन बिलो. सो यू नो व्हाट यू हैव डन इन योर प्रीवियस क्लास. सो कैट, कैट इज अ डिफॉल्ट स्प्राइट. सो यू कैन ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ कैट एंड कलर इट. So now we are starting Scratch. Scratch is commonly used programming language. ये भी एक language है, programming language है. It is easy to learn and use. It provides various blocks using which you can create your code. So there is no need to type codes. You can simply drag and drop the blocks in the script area to create your code or scripts. That is why it is often referred to as block-based coding. जैसे हम कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में एक हॉबी होती है अपनी राइटिंग, लाइक कुछ पोएम्स लिखना या स्टोरीज लिखना, वो अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं. ऐसे ही हम कंप्यूटर में एक प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू हम अपनी लैंग्वेज, अपने एक कोड बना सकते हैं बाय यूजिंग ब्लॉक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, block-based coding. इसमें हम अपने स्क्रिप्ट्स एरिया हमारे पास है, उसमें हम ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं और अपना कोड बना सकते हैं. सो लाइक इट इज़ आप पढ़ते हैं, आप देखते होंगे एड्स भी आती हैं, हाउ टू लर्न कोडिंग. सो दिस इज़ अ कोड, ब्लॉक बेस्ड कोडिंग. सो वी आर डूइंग दिस. टू स्टार्ट स्क्रैच फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड देन सेलेक्ट स्क्रैच 3. आपने देखा, आपने स्टार्ट बटन क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास स्क्रैच 3 पे आपने क्लिक करना है. यू आर गेटिंग दिस वन, स्क्रैच 3. ओके, नाउ द स्क्रैच विंडो अपीयर्स. आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्रैच विंडो आ जाएगी. स्क्रैच 3 इंटरफेस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. द इंटरफेस ऑफ स्क्रैच इंक्लूड्स द फॉलोइंग. विंडो पे क्या क्या आपको दिखाई देगा, आपको देखो यहाँ पे एक है कॉस्ट्यूम टैब, एक यहाँ पे है साउंड्स टैब, एक यहाँ पे है कोड टैब, और यहाँ पर क्या है, ये ब्लॉक पैनल, यहाँ पर क्या है, एड एक्सटेंशंस, और इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, ब्लॉक पैलेट. एंड दिस होल इज द स्क्रिप्ट एरिया. और एक आपको ग्रीन फ्लैग दिखाई देगा, दैट इज गो बटन, और एक आपको रेड और पिंकिश सब बटन दिखाई देगा, दैट इज स्टॉप बटन. ओके, एंड हेयर आपके पास जो आइकन है यहाँ पे है, इट इज व्यू फुल स्क्रीन. यहाँ से फुल स्क्रीन आपको दिखाई देगी. और ये जो स्प्राइट है, दिस इज डिफॉल्ट स्प्राइट, और यहाँ पे क्या है, दिस इज स्ट्रेच, और यहाँ पे आपके पास क्या है, स्प्राइट्स इन्फो पैन, और यहाँ पे आएगा स्प्राइट लिस्ट, जो जो स्प्राइट आएंगे, एंड हेयर न्यू स्प्राइट्स इफ यू वॉन्ट टू यूज मोर स्प्राइट्स. आपके पास यहाँ पे न्यू स्प्राइट बटन है, यू कैन यूज इट. एंड यहाँ पे क्या है आपके पास, बैकड्रॉप बटन. सी वंस अगेन, जब आप स्क्रैच 3 ओपन करेंगे, आप बस विंडो अपीयर हो जाएगी. इसमें कुछ बटन्स हैं, स्क्रीन है. सो सी हेयर, दिस इज द कॉस्ट्यूम टैब, दिस इज साउंड टैब, दिस इज कोड टैब, ये है आपका ब्लॉक पैनल, ये पूरा जो है दिस इज ब्लॉक पैलेट, ये है एड एक्सटेंशन, यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट आ जाएगी जो भी आप कोड यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे ऊपर जो ग्रीन फ्लैग है, दैट इज गो बटन, दिस इज द पिंक कलर, दिस इज स्टॉप बटन, और यहाँ पे जो ये लास्ट में है, दिस इज व्यू फुल स्क्रीन. यहाँ से आपको फुल स्क्रीन दिख जाएगी इसको प्रेस करने पे. और ये स्प्राइट जो है डिफॉल्ट स्प्राइट है,
एंड दिस इज द स्टेज हेयर. यहाँ पे क्या है स्प्राइट्स इन्फो पैन और ये क्या है स्प्राइट्स लिस्ट. यहाँ पे क्या है न्यू स्प्राइट्स बटन और ये क्या है बैक ड्रॉप बटन्स. ओके अब हम इसको स्टडी करते हैं. सो स्प्राइट स्क्रैच प्रोजेक्ट्स आर मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. द मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्ट इन स्क्रैच इज द स्प्राइट. इट इज अ स्मॉल ग्राफिक कैरेक्टर दैट परफॉर्म्स एक्शंस इन स्क्रैच प्रोजेक्ट्स. देयर आर मेनी इनबिल्ट स्प्राइट्स इन स्क्रैच. कैट इज द डिफॉल्ट स्प्राइट इन स्क्रैच. स्प्राइट क्या है जो स्क्रैच बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट से बनाते हैं. तो जो हम पिक्चर यूज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे स्प्राइट और जो उसका डिफॉल्ट स्प्राइट है दैट इज कैट. ओके सो नाउ स्टेज इट इज द मेन वॉकिंग एरिया वेयर ऑल ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस बाय द स्प्राइट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन. हम क्या करेंगे जो भी पिक्चर है जो भी कार्टून है हम इंस्ट्रक्शन देंगे और वो जो भी एक्शन करेंगे वो डिस्प्ले कहाँ पे होगा हमारे स्टेज पे. इट इज़ द मेन एरिया. इट डिस्प्लेज योर क्रिएशन. यू कैन सी योर स्टोरीज गेम्स एंड एनिमेशंस क्रिएटेड बाय यू. जो भी आपने एनिमेशन क्रिएट किया है स्टोरीज बनाई हैं आपको वो विजिबल होगी. जैसे आप कार्टून्स देखते हैं वो भी क्या है एनिमेशन ही तो है राइट. So, Kotak script is a set of stepwise instructions given to the sprite to do a specific task. Each instruction is also called a command. जैसे हम teachers students को classroom में instruction देते हैं कि open your copy, now write this, do this. It means we are giving command. ऐसे जब अपना sprites बनाएंगे ठीक है तो आपने उसको जो भी command देनी है जो भी instruction देनी है that is the कमांड. तो स्क्रिप्ट इज अ सेट ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन गिवन टू द स्प्राइट टू डू अ स्पेसिफिक टास्क. ईच इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ कमांड. इट कंसिस्ट ऑफ द ब्लॉक पैनल एंड ब्लॉक पैलेट्स एंड अलाउ यू टू राइट अ स्क्रिप्ट. ओके नाउ ब्लॉक पैनल. द ब्लॉक पैनल एरिया लिस्ट द 9 कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स. मोशन लुक्स साउंड Events, controls, sensing, operators, variables and my blocks. Block panels में 9 category के blocks available होंगे. Motion, looks, sound, events, control, sensing, operators, variables and my blocks. Related instructions are grouped together in a block. For example, All the movements related instructions are listed when you will select the motion block. अगर हम motion block को select करेंगे तो हमारे पास सारे जितने भी movements हैं वो आ जाएंगी. अगर हम look block पे click करेंगे तो जितने भी looks हम change कर सकते हैं वो आ जाएंगी. उसके appearance कैसे हम change कर सकते हैं. Okay, so block palette. The block palette contains a set of blocks that are used to program sprites and give action to it. Each block is used to perform a specific task in a project by connecting blocks with each other, just like a zigzag puzzle. You can create scripts in Scratch. आप इन blocks को use करके अपनी script बना सकते हैं, अपना code बना सकते हैं. Okay? So, costume tab. It allows you to draw, import or edit images for a sprite. Here you find two images of the cat called costumes. These costumes enable you to change the appearance of the sprite while your program is running so that you can give it facial expressions and body movements. आप क्या कर सकते हैं costume tab की help से इनके expression change कर सकते हैं इनके movement को change कर सकते हैं. Okay? So it's very important. आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज स्प्राइट. इस एरिया में स्टेज जिसको हम स्टेज बोलते हैं फाइन. और यहाँ पे आपको देखो जो भी दो आपके पास हैं दे आर आप स्टेज पे देख सकते हैं. दिस स्प्राइट इज कमिंग एंड यहाँ पे ये दोनों दीज आर अवेलेबल. यू कैन सी ओवर हेयर. नाउ साउंड स्टेप. इट अलाउज यू टू रिकॉर्ड और इम्पोर्ट साउंड फाइल्स फॉर द स्प्राइट टू यूज. कोई भी साउंड से यूज़ करनी है स्प्राइट को जो भी आपने साउंड देनी है आप साउंड टैब की हेल्प से प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर साउंड टैब इज़ अवेलेबल.
ओके फिर यहाँ पे साउंड ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसके यहाँ पे नीचे सारी ऑप्शंस हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। राइट नाउ स्क्रिप्ट, अ स्क्रिप्ट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू अ स्प्राइट टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। एज आई टोल्ड यू स्क्रिप्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन है जो हमें देनी है स्प्राइट को करने के लिए। अ स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू ब्लॉक्स, इसमें कम से कम दो ब्लॉक यूज करने हैं। स्क्रिप्ट एरिया, स्क्रिप्ट एरिया इज अ प्लेस वेयर यू राइट द स्क्रिप्ट फॉर द स्प्राइट, ड्रैग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ब्लॉक्स पैलेट एंड ड्रॉप इट इन द स्क्रिप्ट एरिया टू राइट अ प्रोग्राम। हमें ब्लॉक पैलेट से ब्लॉक उठा के ड्रॉप डाउन करना है टू राइट अ प्रोग्राम। द ब्लॉक्स फिट इन टू ईच अदर एज जिग्जा पजल ब्लॉक्स, तो करना कैसे है, सो लेट अस ट्राई ड्रैग एंड ड्रॉप टू पुट द इंस्ट्रक्शंस इन द स्क्रिप्ट। द फर्स्ट वन सेलेक्ट द कमांड टू बी मूव, जो भी हमें कमांड देनी है उसको सेलेक्ट करना है। देन द सेकेंड वन ड्रैग द कमांड टू द स्क्रिप्ट एरिया, फिर उस कमांड को हमें ड्रैग करना है स्क्रिप्ट एरिया पे। देन ड्रॉप इन टू द स्क्रिप्ट एरिया, फिर ड्रॉप कर देना है। राइट तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लाइक हेयर हमें जो भी मान लो कमांड देनी है तो इसको हमने ड्रैग किया यहाँ से लिया और फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट एरिया में इसको ड्रॉप कर दिया। फाइन सो आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगा, पहले इस साइड था, यहाँ से हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। फाइन ओके सो व्यू फुल स्क्रीन, द व्यू फुल स्क्रीन बटन ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंटेशन बटन इज यूज टू प्ले योर प्रोजेक्ट इन फुल स्क्रीन मोड। जो भी आपने अपना बनाया है, प्रोग्रामिंग की है, कोडिंग की है, उसको देखने के लिए आप यूज कर सकते हैं व्यू फुल स्क्रीन बटन। नाउ स्प्राइट्स इन्फो पेन, इट शोज ऑल द डिटेल्स ऑफ स्प्राइट्स एंड बैकड्रॉप्स यूज इन अ प्रोजेक्ट। यू कैन ऐड डिलीट see the name and location, increase and decrease the size of a sprite. Similarly, you can add or change the backdrop. आप कुछ भी कर सकते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं उसका साइज या डिक्रीज करना चाहते हैं, कुछ भी चेंजेस करने हैं यू कैन डू इट, और आप बैकड्रॉप को भी ऐड या फिर चेंज कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द ए पार्ट स्प्राइट्स नेम, दिस इज हाउ यू कैन रीनेम द स्प्राइट। आपने चेंज करना है नेम, यू कैन चेंज इट। देन बी पॉइंट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, द पोजीशन ऑफ द स्प्राइट इज इंडिकेटेड बाय दीज कोऑर्डिनेट्स ऑन द स्टेज। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज लेबल्ड एज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज लेबल्ड एज वाई एक्सिस। जैसे आप मैथ्स में भी करते हैं, ऐसे हम दो एक्सिस लेते हैं, वन इज एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल इज वाई एक्सिस। डायरेक्शन, इट इंक्लूड्स हाउ द स्प्राइट विल टर्न व्हेन इट एग्जीक्यूट्स अ मूव इंस्ट्रक्शन। साइज, यू कैन चेंज द साइज ऑफ द स्प्राइट। शो, इट शोज और हाइड्स द स्प्राइट फ्रॉम द स्टेज। ओके आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ स्प्राइट लिस्ट, हेयर आर द कैरेक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट्स यू हैव क्रिएटेड इंक्लूडिंग द स्टेज इटसेल्फ। Click the icons to edit each sprite individually. Now, new sprite buttons. There are four new sprite buttons to add a sprite. They are choose a sprite. Using this option, you can pick one from scratch built-in library. आपने कोई नया sprite choose करना है, तो library में available है. You can choose it. Paint. Using this option, you can draw a new one. Surprise, using this option you can add any of the new sprite from the library randomly. And then upload sprite, using this option you can upload an image you already have. Okay, now backdrop buttons, it consists of backdrop icon. The backdrop icons are used to change the stage background. Agar hume stage ki background ko change karna hai, then what to do? Scratch provides four different options to change the backdrop of the stage. So, the first is choose a backdrop. Using this option, you can choose the backdrop from the Scratch library.
जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं. देन पेंट, यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन क्रिएट अ न्यू बैकड्रॉप विंडो अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट्स. इट ओपन्स द बैकड्रॉप विंडो एडिटर. एंड देन नेक्स्ट इज सरप्राइज, यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन ऐड एनी ऑफ द न्यू बैकड्रॉप फ्रॉम द लाइब्रेरी रैंडमली. जैसे हमने अभी यहाँ पे स्प्राइट को चूज़ किया था लाइब्रेरी से, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी से हम बैकड्रॉप को चूज़ कर सकते हैं, ओके, एंड ऐड कर सकते हैं. देन अपलोड अ बैकड्रॉप, यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन अपलोड द रिक्वायर्ड फाइल फॉर बैकड्रॉप. नाउ गो बटन, इट इज़ अ ग्रीन फ्लैग एंड व्हेन यू क्लिक ऑन इट इट रन्स अ स्क्रैच प्रोग्राम. Stop button, it is a red button which on clicking stops the running Scratch program. Now add extension option. Scratch extensions are the extra set of blocks that can be added to the main Scratch page to extend the scope of the Scratch editor. New extensions can be added over time to improve the existing Scratch project. हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमें कुछ उसको इम्प्रूव करना है, तो हम उसमें एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं. सो स्क्रैच एक्सटेंशन अलाउ प्रोग्राम्स टू मेक द स्क्रैच प्रोग्राम्स कम्युनिकेट विद ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर. देयर आर अ टोटल ऑफ 11 एक्सटेंशंस अवेलेबल इन स्क्रैच. ओके, नाउ डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ स्क्रैच. अब डिफरेंट ब्लॉक्स अवेलेबल हैं. The different blocks of Scratch are as follow. One is block category and here is function. यहाँ पे blocks के name हैं और उनके functions क्या हैं. Motion. Motion blocks in Scratch are used to control the movement of sprites. These blocks are dark blue in color and have 18 blocks under them. तो 18 different types की motion है. आपने जो भी उसको मूवमेंट देना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं, देन यू कैन डू इट. ओके, और इनका जो कलर है दैट इज डार्क ब्लू, राइट. नेक्स्ट इज लुक्स. लुक्स ब्लॉक इन स्क्रैच आर यूज टू कंट्रोल द अपेयरेंस ऑफ द स्प्राइट. स्प्राइट की अपेयरेंस को हमें कंट्रोल करना है. दीज ब्लॉक्स आर पर्पल इन कलर एंड हैव 20 ब्लॉक्स. ये पर्पल कलर में होते हैं और 20 ब्लॉक्स हैं. Sound. Sound blocks in Scratch are used to control the sound functions. These blocks are dark pink in color and have 9 blocks. Okay? Har ek block ka different color hai. Events. Events block in Scratch are used to manage the events which trigger the movement of the sprite. These blocks are yellow in color and have 8 blocks. Control. Control blocks in Scratch are used to control the scripts under some specific conditions. These blocks are amber in color and have 11 blocks. And then operators. These blocks are used to perform mathematical operations and string handling. Mathematical, जैसे plus, minus, multiply, divide करना, तो operator block use करते हैं हम. These blocks are green in color and have 18 blocks under them. Okay? So, next is variable. Variable blocks in Scratch are used to report the value of a variable. These blocks are orange in color and 5 blocks under them. There is a subcategory of blocks under variable blocks known as list blocks. अब इसके अंडर भी एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं लिस्ट ब्लॉक्स. लिस्ट ब्लॉक्स आर यूज टू मैनिपुलेट डिफरेंट वैल्यूज इन स्क्रैच. दीज ब्लॉक्स आर डार्क रेड इन कलर एंड हैव 12 ब्लॉक्स अंडर देम. एंड सो इन टोटल देर आर 17 ब्लॉक्स दैट फॉल अंडर द टाइटल ऑफ वेरिएबल ब्लॉक इन स्क्रैच. नाउ द नेक्स्ट इज माई ब्लॉक्स. My blocks in Scratch is used to hold the procedure of selected sprites. These blocks are pink in color and have a make a block button using which customized blocks can be created. आप अपने blocks भी इसमें create कर सकते हैं. Now adding a new sprite. Sprites are the objects or characters that you see on the stage.
Scratch comes with a large selection of sprites such as cat, elephant, geiger, dot, bananas, balloons, etc. Also, you can draw your own sprite. Sprites perform all types of actions like moving, changing colors, spinning around, etc. And let us learn how to add a new sprite in the background in Scratch. Later you will learn how to change costumes of sprites. So, to add a new sprite, follow these steps. The first one, click on the Choose a Sprite button. A window appears containing a variety of sprites. Aapke paas different type ke cartoons, different type ke sprites aa jayenge. So, choose a sprite. For example, select bananas. Humne banana select kiya usme se. Now, you can see over here, like this is the picture, window, अब यहाँ पे sprites आ गया आपके पास, आपने इसमें से किसको choose किया है? Bananas, fine? Now, the sprite appears on the screen, to delete existing sprite or default sprite, select it in the sprite list and click on the cross sign. हमने क्या करना है? Sprite list में जाके इसको cross कर देना है. Now drag the bananas to the left corner as shown. फिर जो bananas हैं उनको हमें drag करना है left corner, right? तो आपके पास क्या होगा? जहाँ पे ये default sprite था, उसके साथ क्या आ जाएगा? Bananas. So the sprite appears on the screen. To delete existing sprite or default sprite, select it in the sprite list and click on the cross sign. वही हमने इसको ड्रैग कर दिया और इसको हमें क्रॉस करना है तो हमने जाके लिस्ट में जाके इसको क्रॉस कर दिया. सो नाउ वी आर गेटिंग ओनली दिस स्प्राइट बनानास, राइट? नाउ लेट अस डू हाउ मेनी यू कैन डू हियर. यू कैन डू ऑन योर ओन नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मोशन कैटेगरी, इन इवेंट कैटेगरी, इन कंट्रोल कैटेगरी, इन लुक्स एंड इन सेंसिंग. Now, adding a new backdrop. अगर हमें backdrop को change करना है, like a sprite, you can change the background of the stage by following the given steps. Click on the choose a backdrop button. A window appears containing various backdrops. आपने click किया किस पर? Choose a backdrop button पे, right? Now, the second step, choose a backdrop. For example, blue sky 2. इसमें आपके पास सो मैनी बैकड्रॉप्स अवेलेबल, आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपनी चॉइस का. जैसे उन्होंने ब्लू स्काई 2 चूज किया यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली जो होगा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा आपका ब्लू स्काई में. द सिलेक्टेड बैकड्रॉप विल बी सेट एज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज. ओके, नाउ चेंजिंग कॉस्ट्यूम. यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ स्प्राइट बाय चेंजिंग इट्स कॉस्ट्यूम. By default, Scratch provides one or more costume for the sprites. To change the sprite's costume, follow these steps. Delete the existing sprite cat and add a new sprite like butterfly 2. हमने क्या किया? पहले delete कर दिया cat को और एक new add कर दिया butterfly 2. Now, after adding the sprite, click on the costume tab. Notice the different costumes under the costume list. You can select any costume from here and also edit it using the different tools available in the window. हमने costume पे क्लिक किया और चूज किया जो भी हमें अच्छा लगता है और फिर उसमें ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा. So you can see our butterfly here. Now select the code tab and create the following script for the sprite. Butterfly 2. After creating script, click on the green flag. The sprite will move 10 steps and change the color and costumes as shown. आपने क्या किया? आपने इस पे क्लिक करना है. पहले आपने सेलेक्ट करना है कोड टैब को and create the following script for the sprite butterfly 2. After creating script, click on the green flag. Green flag पे क्लिक करेंगे and the sprite will move 10 steps and change the color and costume as shown. पहले ये था, आपका अब ये हो जाएगा. Okay, now this button you can see looks,
It is used for changing the color of the sprite by a specified number. You can drag this block from the looks category. Okay, and this button next costume, this block changes the sprite's costume to the next one in the costume pane. The next costume block is also available in the looks category. Now, computer manner, do not pull or push the keyboard too hard, it may damage the wire connected to the keyboard. Okay, so handle it safely whenever you use the computer. Now let us rewind. Scratch is commonly used programming language. It is easy to learn and use. Scratch provides various blocks using which you can create your code, so there is no need to type codes. You can simply drag and drop the blocks in the script area to create your code or script. Aapne sirf select karna hai, drag karna hai, drop karna hai apni code language ko banane ke liye. Aapki script ban jayegi. Then sprite is a small graphic character that performs action in Scratch projects. There are many inbuilt sprites in Scratch. Cat is the default sprite in Scratch. Stage is the main working area where all of the action takes place by the sprite as per the given instructions. Scratch extensions are the extra set of blocks that can be added to the main Scratch page to extend the scope of the Scratch editor. New extensions can be added over time to improve the existing Scratch projects. Sprites are the objects or characters that you see on the stage. Scratch comes with a large selection of sprites such as cat, elephant, giga, dot, bananas, balloons, etc. Sprites perform all types of actions like moving, changing colors, spinning around, etc. Okay? So, जो भी cartoon हम देखते हैं, cartoon movies, ये सब किसपे based हैं? Scratch पे, animations. So now let us do the exercise. Check yourself. A part, tick the correct option. That block is available in the event category, that is B. Now second one, the dash is used for changing the color of the sprite by a specified number, so that is answer D. The third one, the dash block is not the part of the looks category, yellow one. Because looks category के जितने भी blocks होंगे that are in purple color. The dash block is used to change the sprite's costume, that is D, next costume. Okay, so everything is available in your chapter, you can find out. So now we are doing filling the blanks. B, the first one, dash are the objects or characters that you see on the stage, that is sprites. The second, sprites can perform all types of actions like moving, changing colors, spinning around, etc. The third one, to add a new sprite, click on the new sprite button. The appearance of a sprite can be changed by changing its costumes. Okay, so here true and false given, you can do it on your own. Now the D one, answer these questions. Write the name of any two blocks of the looks category. So here one is say and the second is costume, you can do it. And the second one, explain the use of change color effect by 25 block. So what you can write, by using this what we can do, we can change the appearance, we can change the costume of the given sprite. And then explain the next costume block, means if you want to change it then you can go to the next costume by using this. And then describe the use of the say block. Say block is used to give the instruction to say something for the sprite, like it comes in the saying bubble. Aapne cartoon movies dekhi hongi ya cartoon books dekhi hongi, usme ek cartoon given hai aur ek speaking bubbles given hota hai jisme like hello, hi. Hi is written in the bubble and this cartoon cat jo bhi hai, that is saying that thing. To usko command dete hain, instruction dete hain ki aapko ye bolna hai, ye kehna hai, right? So I think it's clear to you. Any problem then you can ask.
So I think it's a very easy and interesting. So try to do practically, it would be more clear to you. So thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.